भाई अब हम जाके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज के आपके पास एपटेक में आपको मिलता है वेब सर्वर, ठीक है। तो वेब सर्वर बेसिकली है क्या, इट इज अ लोकल सर्वर जो कि आपके कंप्यूटर में जाके इंस्टॉल होता है और आपके कंप्यूटर को सर्वर बनाता है। सर्वर की कहानी क्या होती है, सर्वर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर जहां पे आप अपनी वेबसाइट्स को क्या करते हो, होस्ट करते हो, ठीक है। ये जब स्टार्ट आप करते हो तो ये आपके पास होना चाहिए ग्रीन, क्या होना चाहिए ग्रीन। इसके अंदर आपके पास कुछ सेटिंग्स होती हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि MySQL, PHP, Apache, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये सेटिंग्स मौजूद है। Apache के अंदर एक फाइल होती है httpd.config, कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है। इसके अंदर आपको जाके क्या मिलती है, आपको पोर्ट मिलती है। क्या पोर्ट मिलती है, कैसे मिलती है बता दो। अक्सर बच्चों को ये दुख होता है कि सर ये पोर्ट हम अपनी मर्जी से क्यों नहीं रख सकते, और अनफॉर्चुनेटली उनको ये पता ही नहीं होता कि पोर्ट चेंज कैसे होती है, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास होती है पोर्ट, यहाँ पे पोर्ट क्या रखी गई है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे ही रहने देते हो, ठीक है। अच्छा, जब भी इसमें कोई चेंजेस करो तो यहां जाके इसको रीस्टार्ट जरूर किया करो, ठीक है जी। तो अब आते हैं ब्राउजर पे। जैसे मैंने कहा था इट इज ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, तो ओपन सोर्स का मतलब होता है कि बिल्कुल ही आजाद फ्री में मिलने वाला तुम्हें एक टूल, ठीक है। वैसे तो अगर आप MySQL को डाउनलोड करने जाओगे ना, तो बेटा MySQL की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ पर आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं, जरा डाउनलोड्स। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जैसे कि वेम सर्वर आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है, तो फिर हम MySQL की तरफ क्यों गए। ये रहा आपका वेब सर्वर, ठीक है जी। और इसी तरह आपको मिलता है XAMPP सर्वर, XAMPP सर्वर भी आपका इसी तरीके से मौजूद है। आप जो डाउनलोड करना चाहो तो आप इजीली इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास वेम, XAMPP, ये दोनों चीजें आपके पास जाके क्या है, मौजूद है। अच्छा, जब आप स्टार्ट करने जाते हो तो लिखते हो सिस्टम में लोकल होस्ट और कॉलन देके क्या देते हो, अपनी पोर्ट, क्या देते हो, अपनी पोर्ट। तो ये आपको लेके चला जाता है रूट डायरेक्टरी में। कहाँ लेके चला जाता है, रूट डायरेक्टरी में। और रूट डायरेक्टरी का मतलब क्या है कि आपके पास एपटेक में डी ड्राइव के अंदर ट्रिपल डब्ल्यू का एक फोल्डर है, इसमें डी ड्राइव के अंदर ट्रिपल डब्ल्यू का एक फोल्डर है। ये बाय डिफॉल्ट आपके पीसी में सी में इंस्टॉल्ड होता है। क्योंकि डी फ्रीज रखते हैं हम सिस्टम्स को, तो आपके लिए यहाँ पे इसको मैनेजमेंट ने क्या फैसला किया है कि डी ड्राइव में होना चाहिए, ताकि बच्चों के प्रोजेक्ट या फैकल्टी के प्रोजेक्ट जो है वो कहीं क्लैश ना कर जाए, ठीक है। स्लैश करके हम स्टार्ट क्या करेंगे, पीएचपी माय एडमिन। तो इससे आपके पास क्या फायदा हुआ कि आपके पास जाके क्या हो गया, पीएचपी माय एडमिन जाके यहाँ पे खुल गया, ठीक है। और यूजर नेम बाय डिफॉल्ट इसका रूट होता है, पासवर्ड इसका ब्लैंक होता है। सर्वर चॉइस ही आपसे पूछता है MySQL रखना है या MariaDB रखना है। तो हमारा कोर्स MySQL के ऊपर है, तो MySQL को जाके मैं यहां से करूंगा गो, ठीक है। और ये रहा आपका पूरा GUI वर्जन जिसपे आप क्या क्या करते हो, काम करते हो, ठीक है जी। हमारे पास एक ऑप्शन होता है, क्या होता है, SQL, क्या होता है, SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। SQL की फुल फॉर्म आपके पास होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और इसको स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, इट इज नॉट प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। जब मैं SQL की तरफ गया तो आपके पास एक एडिटर जाके क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। मैंने जाके लिखा क्रिएट डेटा बेस, और डेटा बेस का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया एपटेक डीबी,
दे दिया मैंने एपटेक डीबी और इसको मैंने कर दिया गो। कोई भी कमांड आप लिखोगे, क्वेरी आप लिखोगे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, गो करोगे। अच्छा, इसको स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, उसकी एक वजह है। आपने अगर कभी इसमें नोट किया हो तो इसके अंदर सारे वर्ड आपके जो नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड होते हैं ना, उस तरीके से जाके क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां से कर दिया गो। ठीक है जी। अच्छा, एक बात और बताता चलूं, अगर आप लोग ये भूल जाओ कि ये क्वेरी मैंने कहां लिखी थी, ठीक है, या आपसे ये क्वेरी मिस हो जाए, तो नीचे है कंसोल, ये लोग मेंटेन करता है कि आपने पहली क्वेरी क्या लिखी थी, ठीक है, दूसरी क्वेरी आपने क्या लिखी, तीसरी क्वेरी आपने क्या लिखी। ठीक है, अब डेटाबेस की तरफ जाते हैं कि डेटाबेस की डेफिनेशन क्या है। डेटाबेस बना तो लिया, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाई वी यूज डेटाबेस। ठीक है जी, इट इज कलेक्शन ऑफ टेबल्स, स्टोर प्रोसीजर वेरिएबल्स ट्रिगर्स व्यूज एक्सेट्रा। ठीक है जी, ये डेटाबेस की डेफिनेशन, ये क्या है, इट इज कलेक्शन ऑफ टेबल्स, स्टोर प्रोसीजर्स, वेरिएबल्स, ट्रिगर्स, व्यूज एटसेट्रा। ठीक है, सबसे पहले हम जाके देखेंगे टेबल। ये कलेक्शन होता है आपके पास रोज और कॉलम का। रो आपके पास क्या होती है, जो आपकी लेफ्ट से राइट तक जाती है, दिस इज कॉल्ड रो। और कॉलम आपके पास क्या होता है, जो आपके पास अप से लेके डाउन तक चलता है, दिस इज कॉल्ड कॉलम। ठीक है, तो ये आपके पास जाके क्या है, कलेक्शन है रो इनटू कॉलम का। ठीक है जी, टेबल बनाने के लिए हमारे पास कॉलम्स की जाके क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि आप किस तरीके से कॉलम को मैनेज करो। क्लियर है, देखो सिंपल है, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हो, मेरी क्लास में सवाल पूछने में कोई पाबंदी नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि सर आज ज्यादा पढ़ा लिया, तो आप मुझे बोल सकते हो तो सर थोड़ा सा ब्रेक कर ले, इसको हम कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं। ठीक है, मैं बिल्कुल ही जो है वो नॉर्मल वे में जाके पढ़ाता हूँ ताकि बच्चा सुकून से पढ़ सके। ठीक है, अच्छा जी, तो डेटाबेस हमने बनाया, अब हम जाके बनाएंगे किसकी तरफ आएंगे, टेबल की तरफ आएंगे। टेबल बनाने से पहले एक चीज जो कि शायद आपने पढ़ी है और अगर भूल गए हो तो मैं आपको वो रिपीट करवा देता हूँ, और वो क्या चीज होती है, जिस तरह का डेटा स्टोर होता है। ठीक है, और कोई और किसी को नहीं पता डेटा टाइप की डेफिनेशन, हेलो देखिए ना भाई किस टाइप का डेटा आप उसमें क्या हो जाके आपका होगा, स्टोर होगा। ठीक है, अब डेटा टाइप का पर्पस क्या है कि आप यूजर से किस तरह का डेटा लोगे। देखो डेटाबेस ना उसकी एक लिमिट होती है, अगर आप ऑनलाइन डेटाबेस खरीदोगे ना अपनी वेबसाइट के लिए, मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, आपने एक वेबसाइट बनाई, उसको आपने होस्ट कर दी, अब होस्ट करने के बाद यूजर उसकी वेबसाइट पे आएगा। ठीक है, अब आपने यूजर पे कोई लिमिट नहीं लगाई, अब भाई किसी का नाम जो है वो बहुत बड़ा नाम है, आज ही अब्दुल कादिर शाह जिलानी, ठीक है, यानी कि 15-18 कैरेक्टर से ज्यादा चला जाए, अगर इस तरीके से लोग अपना नाम रखते जाएंगे
एक मसला होगा कि कब यूजर का आपकी डेटाबेस फुल हो जाएगी, फिर आपको डेटाबेस अपग्रेड करनी पड़ेगी और डेटाबेस की कॉस्ट ज्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं, डेवलपर जाके हम डेटा टाइप्स बताते हैं। कैसे बताते हैं डेटा टाइप्स? अब बिल फर्स्ट मैंने एक फॉर्म बनाया जिसमें मैंने कहा फर्स्ट नेम रखो, लास्ट नेम रखो, इन दोनों कॉल फील्ड के अंदर मैक्सिमम कैरेक्टर 16 है। कितने कैरेक्टर? 16। अगर किसी का नाम मोहम्मद अली है तो आ गया, फिक्स हो गया ना। अच्छा, अरे किसी का लास्ट नेम नहीं है तो डॉट, जैसे मेरा लास्ट नेम नहीं है, मेरा नाम सिर्फ जमान है, तो जहां पे मीर पड़ती है ना मैं डॉट लगाऊं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ईमेल। अब यार ईमेल कितनी बड़ी बनाएंगे लोग? अब जैसे कि मेरी आईडी है zaman@ftechgdn.net, ftechgdn के अंदर कितने कैरेक्टर आ गए? 8, aptech नहीं, 9, डॉट नेट को मिला के कितने हो गए? 13, और @ के साथ कितने हो गए? 14 कैरेक्टर। कितने हो गए? 14। 5 कैरेक्टर मेरे नाम की, कितने हो गए? 19 कैरेक्टर्स, सही है। अब आप लोगों की ईमेल आईडी में ज्यादा ज्यादा क्या होता है बताओ, अपनी ईमेल आईडी ali2011c@ftechgdn.com, यानी कि मैक्सिमम 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 36 कैरेक्टर्स, बहुत करो 36 कैरेक्टर्स बहुत है, ठीक है जी। उसके बाद पासवर्ड। अब पासवर्ड मैंने देखा था, अल्लाह माफ करे, इतना कोई बड़ा पासवर्ड बनाते हैं और मुझे नहीं समझ आता इतना बड़ा याद कैसे रहता है। मेरा पासवर्ड बहुत ही सिंपल है लेकिन ऐसा बनाया ना कि वो टूट नहीं सकता। भाई पासवर्ड के लिए शर्त क्या है कि आपका मिनिमम मिनिमम 8 कैरेक्टर्स को, मैक्सिमम मैक्सिमम 12 कैरेक्टर्स, बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने लिया जेंडर। अब जेंडर में आपका मेल में 4 कैरेक्टर आ गए, फीमेल में 6 कैरेक्टर आ गए, तो आप यहाँ पे एहतियातन दे दो 7 कैरेक्टर, बहुत नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको और क्या देना? अब देखो, अगर आप बहुत बड़ा फॉर्म बनाने जाओगे ना, यूजर बाल बोलेगा इतना बड़ा फॉर्म कौन भरता है, ठीक है, तो एहतियातन एक छोटा फॉर्म आपने बना के दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब MySQL में कौन कौन सी डेटा टाइप यूज होती है? इंटीजर, बिग इंट, स्मॉल इंट। अब ये तीनों के तीनों एक ही खानदान से हैं, नंबर्स। ये तीनों क्या लेंगे आपसे? बट फर्क क्या है? ये 10 डिजिट लेगा, ये 16 तक जाएगा और ये 3 तक जाएगा। भाई आप किसी की एज है, एज में कितने डिजिट चाहिए? बहुत करो तो 3 पे कोई जाता ही जाता है, वरना 2 भी सारे 80, 90, 70, 75, अब तो और कम होता जा रहा है रेशियो, 50, 45, ठीक है जी। तो एज के लिए स्मॉल इन काफी नहीं है, मैं क्यों इंटीजर लिखूं? अब पता चले मैंने इंटीजर लिखा, कोई आया अब वो टाइम पास कर रहा है, मेरी एज 1000 साल, इट इज नॉट पॉसिबल ना यार, पॉसिबल है और ये सकती। उसके बाद आपके पास आती है कैरेक्टर डेटा टाइप, टेक्स्ट डेटा टाइप, वार कैरेक्टर, वार बाइनरी। इन सबका एक ही मकसद है, ठीक है, बट हम बेटा सिर्फ ये यूज करेंगे। वाई? क्योंकि इसके अंदर हम साइज बताते हैं कि कितने कैरेक्टर हैं। हाँ, जब मैं आपको आगे लेके जाऊंगा ना पीएचपी के साथ MySQL को बाइंड करना सिखाऊंगा, उसमें हम पिक्चर्स अपलोड करेंगे, वीडियोस अपलोड करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैरेक्टर टेक्स्ट की डेटा टाइप को यूज कैसे करते हैं। अब तुम बिल फर्स्ट कैरेक्टर डेटा टाइप डालो। कैरेक्टर डेटा टाइप पता है किस वक्त डाला जाता है? जब आप कोई ऐसी वेबसाइट बनाओ ना, जैसे सीवी वाली वेबसाइट आजकल चलती है, या फाइवर पे आप लोग गए तो उसमें आपको बोला कि 500 कैरेक्टर की अपनी बायोग्राफी लिखो, 1000 कैरेक्टर की बायोग्राफी लिखो, इस तरह की वेबसाइट की आप कैरेक्टर डेटा टाइप डालो, जिसमें आप डालते जाओ लिखते जाओ। टेक्स्ट डेटा टाइप क्या होती है कि बराबर ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होता है, तो वार कैरेक्टर का मतलब ये है कि उसमें आप साइज बताओ, क्या बताओगे? साइज बताओगे कि कितने कैरेक्टर्स
लेंगे हम, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। क्लियर है? ठीक है जी, तो आज के लिए ये दो डेटा है, बाकी डेटा है आपको साथ साथ पढ़ाता जाऊंगा और बताता भी हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक अगर कोई मसला है तो पूछ दो। ठीक है, अब जरा एक टेबल बनाते हैं, आ जाओ। तो SQL पे क्लिक करेंगे हम और यहां क्वेरी लिखूंगा मैं, क्रिएट टेबल। टेबल का मैंने नाम रखा बिफोर बैच अंडरस्कोर 21 1 C। जी मिस, ये चलो नहीं मिस, तुम हो तो जाओ ना। तो बेटा टेबल बनाने की एक शर्त है, जब आपने लिखा क्रिएट टेबल और टेबल का नाम, अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये दो राउंड ब्रैकेट आपने लगाया, ठीक है, इसमें आप कॉलम बताओगे, क्या बताओगे, कॉलम्स बताओगे। ठीक है जी, तो मैंने लिखा स्टूडेंट आईडी इंटीजर, ठीक है जी, इंटीजर, और उसके बाद कॉमा देके मैंने लिखा स्टूडेंट नेम, बार कैरेक्टर, और कैरेक्टर की लिमिट बता दी 36। ठीक है जी, उसके बाद मैंने लिखा स्टूडेंट एज और दिया मैंने स्मॉल एंड। ठीक है, अच्छा SQL is not case sensitive, यानी तुम कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा लिखने के बाद यहां से आप करोगे गो, क्या करोगे गो, जब आप गो पे क्लिक करोगे ना बेटा तो आपका टेबल यहां पे बन के आ गया। ठीक है जी, अब टेबल को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहां से मैं चला जाऊंगा SQL को। ठीक है, और अब मैं इसको अंदर क्या डालूंगा, डेटा इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, बेस 2111C, और उसके बाद सारे कॉलम में डेटा डालना है, तो आईडी रखी 101, स्टूडेंट का नेम रखा अहमद और स्टूडेंट की एज रखी 35, और यहां से हमने कर दिया वो। ठीक है, मैंने कहीं पे कॉमा लगाया, क्या ये लाइन किसी को समझ में आई? हाँ, क्या लिखा हुआ बेटा, डेटा इंसर्ट किया। ठीक है जी, अब डेटा देखना है तो SQL पे क्लिक करेंगे और यहां देंगे सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, और टेबल का नाम क्या है मेरे, बैच 2111C, और यहां पे करेंगे गो। डेटा आ गया बेटा, ये श्योर है? अच्छा जी, अब कुछ चीजें नोट करो। सबसे पहली बात, DDL डेटा, इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप, उसके बाद DML, इसमें क्या क्या आता है, इंसर्ट अपडेट सिलेक्ट और डिलीट। ठीक है, ये होते हैं बेटा मेजर ऑपरेशंस, DDL
डीएमएल। आप डीडीएल किसके साथ करते हो? डीडीएल किया जाता है बेटा ऑन टेबल के ऊपर, स्टोर्ड प्रोसीजर के ऊपर, ट्रिगर के ऊपर और व्यूज के ऊपर। ये किया जाता है डेटा पे, डेटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना, सिलेक्ट करना और डिलीट करना। ठीक है जी, यहां तक अगर कोई सवाल है किसी को तो पूछ लो, नहीं है सवाल तो फिर मैं पूछता हूं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और ये डेटा मैनिपुलेशन का मतलब है कि तुम टेबल में डेटा डालोगे, निकालोगे, इंसर्ट करोगे, अपडेट करोगे, ड्रॉप करोगे और जाके उसको वो करोगे, सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये अलग अलग वर्ड्स इसके लिए जाके क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? आपने जो जो काम किया है ना बेटा, कंसोल पे उसकी क्वेरी यहाँ पे मौजूद है। अक्सर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमने जो है वो क्वेरी लिखी, वो चली गई, बच्चा घबरा जाता है। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। वैसे आपको सारी क्वेरीज क्लासरूम पे मैं आपको देता जाऊंगा, उसका कोई इतना इश्यू नहीं। ठीक है, तो ये होता है आपका डीडीएल और डीएमएल ऑपरेशन, डीडीएल और डीएमएल ऑपरेशन। ठीक है जी, अच्छा अब थोड़ा सा बुक की तरफ आते हैं। बुक मिल चुकी है सबको? नहीं मिली, चलो मैं वो देख लेता हूँ कि बुक का क्या स्टेटस है, फिर मैं आपको बुक का भी बता देता हूँ। तो अभी हम चलते हैं, ठीक है जी। तो करिकुलम खोला 7062 का, सेमेस्टर 2 का। मेरे पास MySQL नजर आ रहा है कहीं पे? नहीं आ रहा। कोई मसला नहीं, पहले सेमेस्टर 3 होता था, अब आपका सेमेस्टर 2 है। ठीक है, तो आपको ये बड़ा फायदा है कि आप MySQL ये चीज पढ़ते हो। तो ये आपको बता रहे हैं MySQL एज एन ओपन सोर्स डेटाबेस, किस तरीके से MySQL आपका काम करता है, उसमें क्या क्या फायदा है। ठीक है जी, देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट स्टोर्स एंड मैनेजेस डेटाबेस, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द वेरियस डेटाबेस ऑपरेशन सच एज एडिंग एक्सेसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। अब देखो सिंपल, आप कहीं दूर नहीं जाओ, आप बैंक का डेटाबेस देते हो, बैंक यूज करते हो, एटीएम यूज करते हो, एटीएम यूज करते हो बेटा? नहीं करते, नहीं करते। अच्छा नादरा, वैक्सीन लगवाई है सबने? फिर कार्ड बन गया, बनवा लिया? कार्ड भी नहीं बनवाया, तो एक काम करो, या वैक्सीन लगवाओ या कार्ड बनवाओ। अब हुआ क्या, नादरा वालों के पास हमारा डेटा मौजूद है। ठीक है, आपके पेरेंट्स का भी डेटा मौजूद है, आपका भी मौजूद है। आप पैदा हुए, आपका बेफॉर्म बना, ठीक है, बेफॉर्म आपको एक सर्टिफिकेट नादरा की तरफ से दिया जाता है कि आप पढ़ सको जब तक आप बड़े नहीं हो जाते। अब नादरा इतना बड़ा डेटाबेस है ना, अच्छा नादरा का काम सिर्फ शनाख्ती कार्ड बनाना नहीं, उसमें सब बनता है, बेफॉर्म बनता है, असले का लाइसेंस बनाया जाता है, ये सारी चीजें नादरा में बनती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आपका कोरोना भी उसमें नादरा में। अब इतना बड़ा डेटाबेस है ना, तो जब कोरोना आया और उसकी वैक्सीन आ गई तो लोग पागल हो गए। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने, कि नादरा के साथ लिंक कर लेते, यानी कि भाई वैक्सीन लगी कैसे पता चला, कैसे पता चलेगा वैक्सीन लगी? ठीक है, तो मेरा NIC है ना, मेरी पहचान तो वही है, मेरा NIC, तो अब मैं या तो NIC चेंज करवा लूँ नादरा जाके, या तो फिर मैं जाके नादरा से स्लिप रिसिप्ट ले लूँ कि मैंने वैक्सीन लगवाई। तो उन्होंने ये फैसला किया कि जो NIC का नंबर है ना, वो उठा के वहां पे डाल देंगे
और उसके अगेंस्ट हम वैक्सीन डाल देते हैं कि जो वैक्सीन आपने लगवाई है। इस तरीके से ये सिलसिला आपका क्या होता गया, चलता गया। ठीक है जी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट का यहाँ पे जो लिखा है ना, तीन ऑप्शंस, एडिंग, एक्सेसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। अब आप में से कभी किसी ने सिम खरीदी है, जो रोडों पे स्टॉल लगा के बैठे होते हैं? नहीं खरीदी। आपने देखा तो है ना, उनका प्रोसेस पता है क्या होता है? उनको एक्सेस दिया गया है क्या करने का, सिम रजिस्टर्ड करने का। लेकिन सिम कहाँ रजिस्टर्ड होती है? एनआईसी। और उनको कोई एक्सेस नहीं है, यानी कि आप एनआईसी दोगे ना, वो आपको सिम देगा, वो आपका थंब रखेगा ना, उसकी वेरिफिकेशन होगी, उसको उसी वक्त पता चल जाएगा कि आपके एनआईसी पे कितनी सिम है। और वो और कुछ नहीं देखेगा, एनआईसी कब बना, कब एक्सपायर हुआ, गोवा हुआ है, नहीं है, नहीं, बस वो ये देखेगा। इसी तरह जब मैं अभी पासपोर्ट रिन्यूअल करवाने गया ना, तो मैं अपने पुराने पासपोर्ट ले गया, वेबसाइट पे मैंने पूरा प्रोसेस पढ़ा। मैं वहां गया, बोला क्या काम करवाने, मैंने कहा पासपोर्ट रिन्यूअल, बोला पुराना पासपोर्ट दिखाओ, दिखाया, उसने फॉर्म दिया, फिल किया, अंदर गया। अंदर गया मैं, अंदर जाने के साथ जो है वो मेरा, उन्होंने पिक्चर ली और प्रोसेस किया। अब मुझे ना अलग लॉ में बिठाया, रिन्यूअल में, तो विद इन 10 मिनट्स मेरा काम हो गया। जब मैं वहां गया ना, उसने बोला पुराना पासपोर्ट दो, उसके पास पहले से डेटा आ गया, उसने नंबर डाला ना, पूरा पेपर प्रिंट निकाला, बोला यही डेटा है। मैंने कहा ये साइन किया और आगे चला गया। तो हुआ क्या कि उसको एक्सेस मिला डेटाबेस का, उसको क्या मिला, एक्सेस मिला। ये होते हैं रोल, क्या होते हैं, रोल होते हैं। ये होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, वो हमारा एंड वाला पार्ट है, तो उसको एंड में ही पढ़ेंगे। रोल का मतलब क्या है भाई, कि जिसको जो रोल दिया जाता है वो उसका काम करता है, मतलब डेजिग्नेशन। ठीक है। अब जैसे मेरी डेजिग्नेशन क्या है, फैकल्टी। मेरा काम क्या है, स्टूडेंट को पढ़ाना, लेक्चर अपलोड करना, अटेंडेंस लगाना, मंथली SMS तुम लोगों को भेजना, PTM करना, ये मेरे रोल है, पांच रोल है। मुझसे ऊपर कौन है, मिस तजी जो ग्रुप लीडर है, ठीक है। उनसे ऊपर कौन है, मिस हाजरा जो सेंटर अकेडमिक हेड है। मैं अपना काम मिस तजीन को बताऊंगा, मिस तजीन मिस हाजरा को बताएंगे, ठीक है। हाँ, मिस तजीन नहीं है तो फिर मैं मिस हाजरा के पास डायरेक्ट जाऊंगा, ठीक है। अब मैंने जब मिस तजीन को बताया ना, तो उनका उनके रोल में एक और रोल शामिल है, पूरे फैकल्टी को मैनेज करना, ठीक है। फिर मिस हाजरा क्या डिसीजन लेंगी कि सही है, सर जमान को छुट्टी देनी है या नहीं देनी, अगर देनी है तो कितने दिन की देनी है, ठीक है। या तो फिर मैंने ये बोल दिया कि मैं आऊंगा सी बेच लेके मैं चला जाऊंगा, तो बोला ठीक है, यानी कि आपका भी टाइम जाया ना हो, मेरा भी ना हो, ठीक है। मुझे अगर 5 बजे छुट्टी चाहिए, तो मैंने क्या बोला, मैंने सी बेच लेके मुझे चला जाना है, तो मुझे जाना है। इसी तरीके से आपके पास जो है वो, फिर मिस हाजरा से ऊपर कौन है, आपके मैनेजर, ठीक है। उनका उनके रोल क्या है भाई, पूरे सेंटर को देखना, क्या देखना, बच्चों की फीस आ रही है नहीं आ रही, सेंटर में सब सही चल रहा है नहीं चल रहा, ऐसी खराब है नहीं है, कोई मसला है नहीं है, तो उनको बताओ। जब उनकी नॉलेज में बात नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, उनसे ऊपर कौन है, CEO। उनसे ऊपर कौन है, उनका ऑनर, मतलब रोल बेस्ड काम चलता है ना। अब आप मुझे बोलोगे सर एग्जाम रखवा दे, मैं रखवा दूंगा, ठीक है। आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि सर अभी अभी एग्जाम ले लें, क्योंकि वो प्री प्लान्ड है। अब आपको काम होगा अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, मार्कशीट लेनी है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, कहाँ जाओगे, SRO रूम में, मिस मिसबा के पास। मिस मिसबा क्या करेंगी, आपसे पैसे लेंगी, आपकी स्लिप बना के आपको दे देंगी। फीस पे करनी है तो कहाँ जाओगे, सर तंजील के पास या सर अबरार के पास या मिस सना के पास, ठीक है। मुझे फीस दो दे नहीं सकते आप, और मैं लूंगा भी नहीं, क्योंकि ये मेरा रोल ही नहीं है। हाँ, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, आपको स्किल रिवाइज करनी है, तो आप मेरे पास आओगे, सर ये मसला आ रहा है आप करवा दो, ठीक है जी। तो ये चीजें आपके पास जाके क्या जो होती है, यूज की जाती है। उसके बाद डेटा को दो तरीके से मैनेज किया जाता है, बाय प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस टू मैनेज डेटा। इंटरफेस का मतलब है कोई एप्लीकेशन बना दी जाए, बाय सपोर्टिंग कनेक्टिविटी टू अदर एप्लीकेशंस दैट कैन बी यूज्ड टू मैनेज डेटा, और दूसरे किसी भी एप्लीकेशन के साथ कनेक्टिविटी की जाए। अब मैंने जाके क्या किया, एक वेबसाइट खोली, होम शॉपिंग, ठीक है। अब ये डेटा कहां से उठ के आ रहा है, इसी तरह आपके पास है दराज,
ठीक है जी। तो अब ये जो सारा आपको नजर आ रहा है ना, ये इंटरफेस होता है, ठीक है। अब जब आपका इंटरफेस यहाँ पे मौजूद है तो आप लोग क्या करते हो कि आप जो है उसको यूज करते हो किसके थ्रू, बाकायदा किसी भी डेटाबेस के थ्रू आप मैनेज करते हो, ठीक है। ये आपका ऑनलाइन शॉपिंग आ गया, होम शॉपिंग, ठीक है जी। तो ये कोई भी इंटरफेस यहाँ पे मौजूद होता है। पबजी कौन कौन खेलता है? पबजी खेलते हो? पबजी नहीं खेलते हो? तुम लोग खेलते हो? हाँ, तो बस टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है। अब पबजी के अंदर तुम्हारे पास कैसे कनेक्ट करते हो? बेटा किसी के साथ गेम खेलने के लिए क्या करते हो? रिक्वेस्ट सेंड करते हो। वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? उसके बाद जाती है डेटाबेस में जाती है ना, फिर वहां से आप एक्सेस करते हो। अच्छा, आपके जब आप अपनी आईडी खोलते हो तो उसपे सब कुछ आता है, कितने बंदे मारे, कितनी गोलियां पड़ी हुई है, कितने रॉयल पास आपने खरीदे, सब आता है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली चीजें आपके पीछे बैकेंड पे डेटाबेस पे सेव हो रही होती। अब पबजी में आप कुछ लिखते तो हो नहीं ना, उसमें क्या है कैरेक्टर होते हैं, सब सब काम पिक्चर बेस्ड चल रहा है, कोई भी ऐसे रियल लाइफ चीज तो नहीं होती ना, पिक्चर बेस्ड चल रही है, गन भी होती है, कितने बंदे मारे आपने। अब आपकी आईडी के बेस्ड, अच्छा मैंने ये भी सुना है कि पबजी का अकाउंट बिकता भी लाखों में, करोड़ों में। मैं आज से पबजी खेलना शुरू करूं। अच्छा, आपने पबजी कैसे सीखा? खेल खेल के सीखा ना, मतलब उसके लिए आपने भी एक्स्ट्रा क्लास ली? कैसे सीखा? कि जब आपने पबजी इंस्टॉल किया ना तो इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है जी। और वो इंस्ट्रक्शन कब उठ के आती है? कि जब डेटाबेस में नया यूजर जाता है, जब डेटाबेस में नया यूजर जाएगा तो आप इस तरीके से आपका काम क्या हो रहा होता है, यूज हो रहा होता है, चल रहा होता है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो क्या कहलाता है, डेटा को मैनेज करना और उसको एक्सेस करना और उसके लिए कोई भी इंटरफेस क्रिएट करके उसको देना, ठीक है। अच्छा, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल का वर्ड क्यों यूज किया जाता है? रिलेशन का मतलब क्या है? रिलेशन का वर्ड इसका मतलब क्या है? रिश्तेदारी, दोस्ती, ताल्लुकात बनाना, सही है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें फर्क है। अब देखो, देखो डेटाबेस में एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम क्या है कि तुम डेटा डालते हो, ठीक है। आरडीबीएमएस का मतलब क्या होता है कि एक ही स्टूडेंट है वो बैच के टेबल में भी मौजूद है, वो फीस के टेबल में भी मौजूद है, वो आपके पास एग्जाम के टेबल में भी मौजूद है, वो आपके पास ओवी के टेबल में भी मौजूद है। अभी मैं साइन ही कि इन बच्चों की ओवी नहीं है, ठीक है, उसी बच्चे को बुक की जाएगी जिसकी ओवी आएगी। कभी ऐसा हुआ है कि आपने एग्जाम लॉगिन किया और नाम किसी और का उठ के आता है? सो इट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस। क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस के जिसमें हर बंदे को एक आईडी असाइन किया जाता है, ठीक है। क्या असाइन की जाती है? आईडी असाइन की जाती है, क्लियर है जी। तो 2 बज रहे हैं, मैं लेक्चर को यहाँ तक वाइंड अप कर रहा हूँ। अगर आप में से किसी को कोई सवाल है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूँ, ठीक है, क्लियर है। अगर सवाल नहीं है तो कोई मसला नहीं, अगर सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो।